देखिए, जनसंख्या की जिस तरीके से देश में चर्चा चल रही है एक अलग विषय है, और रोजगार वो भी अलग विषय है, मैं ऐसा मानता हूं। और बेरोजगार ये देश की जो समस्या, इसमें मूलतः कांग्रेस ने इतने सालों तक जो राज किया, गलत नीतियां, और उनकी नीयत भी साफ नहीं थी, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, इस पर ध्यान ही नहीं रखा, इसके कारण ये समस्या बढ़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया और डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जिस तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट वो उठा रहे हैं, इसके आधार पर आने वाले दिन में रोजगार युवाओं को मिलेगी, हर हाथ को काम, ये जो हमारी नीति है वो सफल होगी। वो अभी चर्चा चल रही है। मंत्री जी, आपने कहा कि देश आप महंगाई कम की है सरकार ने, तो महंगाई किस तरह कम की, डीजल पेट्रोल के दाम? देखिए, अभी पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ बढ़े हैं, वो भी इंटरनेशनल क्रूड के प्राइस के आधारित है, लेकिन बाकी चीजों में पूरी स्थिरता है। कांग्रेस के शासन में न दाल मिलती थी न रोटी मिलती थी, सीमेंट भी गायब होता था, स्टील भी गायब हो जाता था, आज ऐसी स्थिति नहीं है। पेट्रोल डीजल जो इंटरनेशनल जो समस्या है, क्रूड का दाम जो बढ़ा है, इसके आधार पर है, और वो भी थोड़े दिन में सही हो जाएगा। सुन लेवा, नहीं वैक्सीन में पण आपने कहूं, गई काले 6.5 लाख लोगों ने हाईएस्ट आटला दिवस में वैक्सीनेशन में 6.5 लाख लोगों ने अपने वैक्सीन आपा, आजे पण 6 लाख लोगों ने वैक्सीन अपाशे, अटले वैक्सीन नो जत्थो पर्याप्त आवी रह्यो छे, अने गुजरात सरकारे 5 लाख ऊपर दरोज वैक्सीनेशन करवू, ए रीते अमे आखू प्लान। सतत 24 कलाक समाचार जोवा माटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत एप।